पंजाब टीवी देख रहे हो तो मैं हाँ रवि संग्राहूर। पहला थानू कुछ तस्वीर दिखावे, ये तस्वीर तुम होर भी कुछ चैनल्स से जरूर देखिया होनी या फिर जो तुम किसानी संघर्ष की संयुक्त किसान मोर्चे की जी मुख स्टेज है जो तीन कितने लाइव कवरेज देखते हो कैमरा घूमता है तो कैमरे के एक लड़की हमेशा एक साइड तो एक पोल को खड़े हुए देखते हो। वो लड़की दसंबर के महीने तो इस अंदोलन के पहुंची है, पंजाब की कुड़ी आ वो। और सब तो वड्डी गल तो यह है कि किसानी पिछोकड़ नहीं है, वो लड़की दी एक लत ते तुसीं जानी एक प्लास्टर टाइप चढ़िया होया एक कैप चढ़िया होया भी देखते हो, बहुत सारिया तस्वीर तुसीं अक्सर चैनल्स ते देखिया होणगियां, पर उन्हां नाल गलबात शायद किसी ने नहीं कीती होनी। वो कौन ने, कित्थों ने, किवें ये सेवा कर रहे ने, कदों तो ने, जानी ये कोई एक तस्वीर ने जिहियां बहुत सारिया तस्वीर असीं तुहानूं वख-वख लोकां दे नाल जुड़िया हुई दिखाउंदे रहे हां। और हुण भी ये जिहड़ा सिलसिला बादस्तूर जारी है, ये किसानी अंदोलन चढ़दी कला दे विच ही तां है क्योंकि लोग ना दिल तो रूह तो जुड़े हुए ने इस अंदोलन दे नाल। तां ओ पंजाब दी धी, ओ पंजाब दी कुड़ी इस वेले साडे नाल है, मेरे नाल ने, डबल फ्रेम करके दिखा दिओ कि असीं उहनां नाल गलबात उहनां दे पिछोकड़ बारे भी करांगे और ये भी जाणांगे कि हुण तक उन्होंने की कुछ ऑब्जर्व किया। पढ़े लिखे नौजवान इस संघर्ष का हिस्सा शुरू तो रहे ने और अज भी बने हुए ने, ते पढ़े लिखे नौजवान हर एक चीज़ नू चंगा भोख पड़ताल सकते आ, तो जिन्हां लोगों का वड्डा तजर्बा हुंदा है जां वड्डियां उमरां हुंदियां वो अपने तजर्बे की अख नाल देखते हैं, पर पढ़े लिखे लोग अपनी सिक्ख्या जिहड़ी हुंदी है उहदी अख नाल देखते हैं। असीं उहनां दे नाल गलबात करांगे। सति श्री अकाल जी। हाँ जी, सति श्री अकाल। की नाम है जी तुहाडा? सुखमनी। तां मैं भूमिका दे विच कहा कि जदों कैमरा घूमदा है संयुक्त किसान मोर्चे दा, तुहानू एक पोल दे नाल खड़े हुए देखदे ने लोक, ते कई लोकां दे मन दे विच इह वी सवाल आउंदा है कि इह लड़की हमेशा खड़ी हुंदी है इत्थे, मतलब इसे तरह दे नाल, ओह कौन है, थोड़ा जिहा अपने बारे दस दिओ। हाँ जी, मैं पंजाब तो बिलोंग करदी हाँ, मोरिंडा तो, और मैं आई सी 16 दिसंबर नूं मैं इत्थे आई सी। सो मतलब जदों मैं घरों, मतलब जदों मैं घर सी तो वह मतलब आप नैट पर या न्यूज़ में जो भी आप देखते आ रहे सी अपने अंदोलन बारे, सो अपने अंदरों एक अपनी मतलब एक रूह एक आत्मा तो आवाज़ आती सी कि नहीं आप इत्थे भी मतलब बैठे हाँ तो आप उत्थे जाके जो भी आप योगदान पा सकते हैं आपां नूं पाना चाहिए वा। उदो ये नहीं सोचा सी कि कुड़ियाँ तो मतलब पहली शायद अपने होया भी पहली बार है इन्ना वड्डा अंदोलन तो पहला नहीं कदे, पर वो अंदरों एक आवाज़ आती है तो वो चीज़ नू रोक नहीं सकी। तो पापा नू क्वेश्चन किया कि मैं जाना दिल्ली है ना, और तदो अपना मतलब जो स्टार्टिंग आप इतने सैटल हो रहे थे तदो जो कि मतलब संघर्ष होया इतने जो भी सी तदो मतलब ठीक है, उन्होंने मना किया पेरेंट्स ने कि नहीं। और मैं ये सवाल कर लगा सी क्योंकि तुसी लंबे समय तो पहला ये दस दो कि तुसी कल्ले रह रहे हो कि इत्थे फैमिली थोड़े नाल है, थोड़ा पहला रहन दा की प्रबंध? नहीं, मैं कल्ले रह रही हाँ, कल्ले। मम्मा कहंदे आ कि आपां कल्ले नहीं हुंदे, वाहिगुरु अपने नाल हुंदे, अपने अंग संग हुंदे आ, और आप अपनी धियां नूं बाहर भेजदे आ, फॉरन च जांदियां ने। आप देखा होगा तुसी अजकल आईलैट्स का किन्ना चलता कि आप आईलैट्स कराते अपने बच्चों नूं बाहर भेजदे आ, उत्थे ते अपना कोई भी नहीं अपना हुंदा ना, आप अपने बच्चे नूं देखरेख च हुंदे आ। वो तुसी इत्थों इंस्पिरेशन लई आए हो इसे गल दी? नहीं, मैं ये सोच रही हाँ कि एक धी या एक कुड़ी दुनिया च कितें भी जा सकती है, मतलब जे उहदे अपने गट्स होने चाहिए आ कि मतलब एक अपने देश का प्राइम मिनिस्टर भी कहते अपन कुछ नहीं कह सकता या कुछ भी एवं कुछ इंसीडेंट नहीं हो सकता, बाकी जो कहने माड़ा टाइम पुछ के नहीं आता किसी को, वह गल बिल्कुल डिफरेंट आ, बट अपने एक गट्स होने चाहिए आ, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कितने भी जा सकते हैं, मतलब उस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल, आप गल वि छड़ गए थे कि फैमिली पहला मना करती सी कि नहीं असी नहीं जान देना, मतलब कितना कितने अनसेफ फैमिली हो जाती है ना, बच्चे
ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਉ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਐਕਚੁਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋਬ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਤਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬੱਸ ਲਈ ਸੀ ਤਦੋਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੇੜੇ ਆ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੰਮਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਟ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਪਰ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੰਮਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬਸ ਰੂਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
जो चीज़ा वापरदिया रही तुसी भी सोशल मीडिया के नाल जुड़े हुए हो गए, बहुत सारिया चीज़ा सोशल मीडिया से आउंदिया ने, मोर्चे के हक च भी आउंदिया, मोर्चे के खिलाफ भी तुसी बहुत कुछ सुनते होंगे, बहुत चीज़ा सुनते होंगे, जो इदा दिया चीज़ा आउंदिया चाहे 26 जनवरी तो बाद जिस तरह का माहौल रहा जिवें आपां नूं जूझना पिया सारिया चीज़ों के नाल, जदों इहो जिहा माहौल देखते सी मन तो बनाया सी तुसी कि इत्थे ही रहना है, उस तो बाद कितना कितने ऐं दिमाग दे विच आया सी कि नहीं आ चीज़ा नहीं होनिया चाहिए सी, आ चीज़ा साडे संघर्ष का हिस्सा नहीं हैगियां, यह नहीं होनिया चाहिए सी। एक्चुअली गलतियाँ सब तो होंदिया ने, मतलब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोल मैं नहीं, मतलब जो भी कमेंट्स नहीं करूँगी, मतलब क्योंकि आप नहीं चाहते कि कैमरे मूरे अपने तो कोई भी एवं दे वर्ड्स या कुछ भी किया जाए, बट गलतियाँ सब तो होंदिया ने, वो गलतियाँ नू मतलब सुधार के ते भुला के मतलब उस चीज़ तो अगे बढ़ना चाहिए, तो आप अज भी इकट्ठे है तो इकट्ठे होकर ही आपने जितना तो फतेह करनी है। अगे बारे की सोचा हूँ, अगे बारे क्योंकि संघर्ष लंबा चलना, पक्या तैयारियां हो जाएगी, तुसी देखा होना कि जेडे लंगर वास्ते पक्के कमरे बन रहे ने, लोगों ने एसी ला ले, ट्रालिया ते 3-3 लाख रुपया लाता लोगों ने, क्योंकि संघर्ष लंबा हले सरकार गल करनू तैयार नहीं हैगी, इस तो अगे की सोचा फिर अगे किवें, मतलब अगे मौसम भी बदल रहा किवें अगे करना? आप सर्दी भी कट ली आ, मतलब ठंड के मौसम से आप इत कट ले तो गर्मी भी निकल जानी आ, बट जो दिलों सोच के आई सी करों मतलब उस चीज़ से रहना चाहनी हाँ, मतलब अपने वर्ड्स से जो मेरी आत्मा ने किया सी कर, नहीं सुखमनी आप फतेह करके तू मुड़ना इतों, तो सेवा कहें मम्मा कहते भागा नाल मिलती है। एक इतने कोई किसी इंटरव्यू ले रहा है, मतलब मैं लंगर च सेवा कर रही थी, उत्थे वो कुड़ी तो इंटरव्यू लीती जा रही थी, वो कहती सी कि जड़े लंगर च सेवा करते अनपढ़ होंगे, जो लंगर च प्रशादे बनाते या भांड्या की सेवा करते या सब्जी की सेवा करते अनपढ़ होंगे, तो मैं ये सोचना कि सेवा जड़ी होंगी ना तो डिग्री वेखती आ ना वो, मतलब वो ये सब चीज़ा मैटर नहीं करदियाँ, एक झाड़ू भी कोई मार रहा वो अपने दिलों निस्वार्थ सेवा करता, तो सेवा सेवा होंगी, सेवा कोई भी कितने भी कुछ भी कर सकता वा। जो इस तो पहला लंगर च सेवा सी? हाँ जी, मैं स्टार्टिंग जो तो भी आई पहला दिल्ली कमेटी वाले लंगर च सेवा स्टार्ट की सी, बट उतो थोड़ा जहा डिस्टेंस पैन लग गया सी, जो तो टेंट शिफ्ट किया खालसा हेड च सी सब तो पहला मैं इतने, और समान की थोड़ी प्रॉब्लम करके टेंट शिफ्ट करना पिया, जो तो टेंट शिफ्ट किया तो अपने पेट्रोल पंप के बिल्कुल ऑपोजिट साइड नवा शहर वाल लंगर हैगा अपना कीर्ति किसान यूनियन, तो उन्होंने कोल मैं सेवा करती रही हाँ उतों तो, मतलब आज थोड़े दिन पहला जो तक मैं स्टेज तक नहीं पहुंची सी, स्टेज तक का सफर मेरा आई सी कि मैं थोड़ी बैक तो लैग्स थोड़ा प्रॉब्लम, ये जरूर पूछना सी कि जी प्रॉब्लम आई है थोनू इतने आके आई है ज की सी? नहीं एक्चुअली मेरी डिस्क बैक की प्रॉब्लम हैगी सी पहला तो, पर मैं प्रीकॉशनस दसिया गई सी वेट या जो भी चुकना नहीं, सो मैं नहीं ध्यान दिता, और शायद मेरी कितना कितने मतलब हैगी इतने आने तो बाद ध्यान नहीं दिता गया नहीं वो सेवा करते आप ये चीज़ा नहीं देखते है तो उदो पता भी नहीं चलता कि आप क्या करते हैं, मतलब स्टार्टिंग नहीं कुछ होया बट थोड़े दिन पहला मतलब प्रॉब्लम आई, तो फिर वो कहते ना वाहगुरु ने इन्नी सारी सेवा तो इन्नी सेवा कराती, मतलब कितने मतलब चलो फिर भी खुश हाँ कि इतने स्टेज से मैं सोचा नहीं कि मैं इतने सेवा करन का मौका मिलेगा, तो इतने आके मैं थोड़ा हैजीटेट भी होंगी सी कि मैं किमें पूछा इतने, बट हूँ सारे एक तरह के नॉन ने अपने परिवार वांगू ने, तो वाहगुरु ने सेवा दी इतने तो हूँ मैं स्टेज से सेवा कर दी। तो साढ़े नौजवान जो व्यूअर्स ने भी ने जिन्हें भी व्यूअर्स देख रहे हैं किसानी अंदोलन की खूबसूरती जो मैं थोनों पूछा क्योंकि खूबसूरती उसे नहीं पता लग सकती है जिहड़ा रूह तो विचरिया होवे और तुसी उन्हां लोकां दे विच्चों हो, खूबसूरती की देखते हो इस अंदोलन की, खो ये कामयाब क्यों होगा तो किवें होगा, जानी कि चीज़ है कि चीज़ हैगी है जी इस अंदोलन में जिताऊगी जिताऊगी, खूबसूरती की है इस अंदोलन को जिताने लिए अपना आप सारे का एका होना सब तो ज़्यादा जरूरी है, मतलब जे आप कट्ठे हाँ अपने च एका है, मतलब किसी की आप किसी की गलों नहीं है आ रहे या कुछ भी अपने एका तो आप कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को, मतलब आप जितना ही जितना और अपनी फतेह पक्की हैगी। बहुत धन्यवाद, तो जानी ये गलबात असी इसलिए की क्योंकि साढ़े लिए भी जब तक असी इंटरव्यू नहीं किया अनजाण सी, क्योंकि असी भी सिर्फ जिवें तुसी लोग जदों कदे संयुक्त किसान मोर्चा दी स्टेज कोले आउंदे होगे तां तुसी इन्हां नूं एक पोल दे कोल एक साइड ते थोड़ी सपोर्ट लैके खड़े हुए देखदे होगे, जां फिर इन्हां दे हत्थ दे विच
कोई जिवें पानी दियां बोतलां ने छोटियां, वह देखते होंगे कि वह वरता रहे ने, साढ़े लिए भी अणजाण सी पर तुहाडे लिए भी कितना कितने अणजाण सी, पर हुण गलबात करके समझ आउंदी है। गलबात करन दा मकसद यह सी कि असी समझिए कि उन्हां दा मकसद की है, वह किन्हां दे विचों ने, कौन ने। तो जदों ये गल्लां निकल के आउंदियां ने कि भाई साडा तां कोई किसानी पिछोकड़ नहीं, सिर्फ तो सिर्फ जमीर ने आवाज़ मारी सी, असी सुन ली तो असी हुण इत्थे खड़े हाँ, तो यही इस अंदोलन की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती के चलद ही यह अंदोलन है जिहड़ा जल्द जित प्राप्त करूगा। कैमरे पिछे मेरा सहयोग दिता गुरसिमरन सिंह ने, तो मैं रवि संघराहुर, विजन पंजाब टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।